आज हम आए प्रिंसटन वाले रेस्ट एरिया में। ये हम ईस्ट बाउंड वाले रेस्ट एरिया में रुके हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? तो फॉल आ चुकी है, आप देख सकते हो वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर दरख्त है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पर उसके पहले बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि हम रेस्ट कैसे करते हैं, लाइक हम कहाँ रुकते हैं, कहाँ पे हम वॉशरूम यूज करते हैं ना। तो पंप तो आप सभी ने देखे होंगे ना, इतने बड़े बड़े पंप है। हम जब तेल डलवाते हैं तब भी हमने आपको दिखाया कि कितनी पार्किंग होती है। उसके अलावा यहाँ पे रेस्ट एरियाज भी होते हैं, इतने कितनी खुली डुली पार्किंग होती है, वॉशरूम होता है, समटाइम्स किसी किसी रेस्ट एरिया में पेट रिलीफ एरिया भी होता है, और गाड़ियों की ट्रक की पार्किंग अलग से, कुछ में छोटा सा जैसे प्ले ग्राउंड होता है ना बच्चों के लिए, वो भी होता था। वो अभी हम दिखाते हैं। जी हाँ, मैं स्पेशली जब धूप निकलती थी ना, जो बिना शर्ट वाला होता था, वहाँ पे बैठ के हम खाना खाते थे, बड़ा मजा आता था। सब इतने दिनों बाद धूप निकली है तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है रेस्ट एरियाज में भी। ये मतलब अब तो बहुत सारे मॉडर्न रेस्ट एरियाज भी बन गए हैं। इस प्रिंसटन वाले रेस्ट एरिया की खास बात यह है कि अब पार्किंग बहुत ज्यादा है, अंदर वॉशरूम वगैरह तो क्लीन है ही, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हम चलते हैं, थोड़ी सी आपको ग्रीनरी दिखा दूं और थोड़ी सी फॉल दिखा दूं। चले तो आप देख सकते हो जगह जगह पे गार्बेज बिन रखे हुए हैं, जितनी की नजर जा रही है ना, आप देख लो, आप कम से कम 8-10 गार्बेज बिन पड़े हुए हैं एवरी जगह, ताकि आप तो गंदगी ना फैलाए। बाद में ये ना कि आपने बिन नहीं रखा ना, ऐसा नहीं है। इतना अच्छा रेस्ट एरिया है, इतने अच्छे पेड़ लगे, फॉल में तो और भी खूबसूरत लग रहा है, तो यहाँ पे गंदगी फैलाना इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट? तो अभी मैं आपको पहले उधर से दिखाती हूँ, सामने खेले थे बस जाके, प्ले ग्राउंड है वहाँ पे बच्चों के लिए। प्लेग्राउंड बच्चों के लिए, आप देखो कितनी चीजें लगाई हुई हैं। उधर एक छोटी सी स्लाइड भी है, वहाँ पे एक टायर वाला वो झूला सा भी बनाया है, और ये है मेरी फेवरेट। चला चलो, पिंग साथ साथ में वायलिन भी बजा रही है ना। हाँ। तो बच्चों की स्लाइड बड़ी छोटी है ना, तो भाई यहाँ पे भी झूले लेती। तो अभी मैं आपको लग चलती हूँ अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या होता है बिल्डिंग के अंदर जो रेस्ट एरिया की होती है। तो ये है रेस्ट एरिया, ऐसा दिखता है अंदर से, आप देख सकते हो उधर मेंस वॉशरूम है, इस साइड पे वुमेन्स वॉशरूम है। इसकी दो एंट्रीज होती है, एक तो पीछे है जो ट्रक की पार्किंग को लगती है, और एक है इस साइड जो कि गाड़ियों की पार्किंग को लगती है, सो दैट कि दोनों तरफ से इजी एक्सेस।
हैप्पी हैलोवीन। ओ कितना अच्छा बनाया ना। तो ये ऐसे बच्चों के लिए रखा हुआ है हेल्थ सेवर कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पे अगर आपको स्नैक्स चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए, पानी, कोक, एवरीथिंग यहाँ पे पड़ा है। थोड़े चॉकलेट स्नैक्स पड़े, तो वेंडिंग मशीन भी रखी हुई है इन्होंने इजी एक्सेस के लिए। रात को अगर आप यहाँ पे सो रहे हो, आपको भूख लगी, कुछ भी है, आपको उस चीज़ की जरूरत है, आपको पानी, खाना और वॉशरूम यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और कॉफी मशीन भी रखी हुई है इन्होंने स्ट्रेस रिलीफ। तो काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, आप कार्ड पे पे करो, आपकी कॉफी यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएगी। और गर्मियों में उधर पूरा एसी लगा होता है और सर्दियों में पूरा हीटेड होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी बिल्डिंग उन्होंने छोड़ दी, जैसे घर होता है उसी की तरह सारी सर्विस हमें प्रोवाइड की गई है। तो एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, इंफॉर्मेशन वाली चीजें लगाई होती है। तो अभी हम इलिनॉय में हैं, तो यहाँ पे इलिनॉय का मैप पड़ा हुआ है। तो काफी सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि साथ वाली स्टेट्स का या जो वहाँ पे देखने वाली चीजें हैं या जो होटल रूम्स हैं उन सब की ऐसे पैम्फलेट या मैगजीन वगैरह पड़ी होती है, छोटी छोटी थोड़े थोड़े करके उन्होंने रखे होते हैं। तो अभी आपको लेकर चलती हूँ गाड़ियों वाली साइड पे और वहाँ पे दिखाती हूँ कैसा है। गाड़ियों वाला एरिया, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है, इधर भी बैठने को काफी एक्सेसिबल है। और ये देखो अभी तो बेचारे फ्रूट थोड़ा से फूल खा गए हैं, बट जब गर्मियाँ होती है ना तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं ना, कलरफुल, यहाँ पे बैठ के पिक्चर खींचने का बड़ा मजा आता है। तो ये था रेस्ट एरिया आपको मैंने दिखाया। पंप्स के अलावा ये भी एक ऑप्शन होता है ट्रक ड्राइवर्स के पास रुकने का, और जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके पास ऑप्शन है कि हाईवे से ज्यादा दूर ना जाके उनको हाईवे पे ही वॉशरूम अवेलेबल हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और आपको रेस्ट एरिया में कौन सी चीज अच्छी लगी या कौन सी चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये भी रेस्ट एरिया में होता होगा, तो वो कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय।